बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छा रहें, खुश रहें, आबाद यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोमोज की रेसिपी, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा, आपके घर वालों को। तो व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले ली है, पैन में मैं ऑयल डालूँगी, और ज़्यादा नहीं डालना है आपने। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 2 से थोड़ा सा कम ही होगा। और अब इसके अंदर ये मैंने चॉप प्याज के रखा हुआ था काट के, ये 1 अदर प्याज है, और ये हरी मिर्च है। अब ये हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसमें कलर नहीं देना, बस ये थोड़ा नरम हो जाए, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। व्यूअर्स, जब तक प्याज फ्राई हो तो सौते हो रहे हैं, तो जब तक ये हम आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैदा है, इसके अंदर आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब थोड़ा ही डलेगा, और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके, अब इसको हम गूंद लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गूंद लेंगे। ये देखिए, मैंने ये आटे को अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया, बस नॉर्मल जैसा हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से ये गूंदना। अब इसको हम रेस्ट देंगे 5-10 मिनट का, उसके बाद चलो हम प्याज की तरफ आ जाएंगे। देखिए प्याज गर्म हो चुका है, इसके अंदर चूना डाल रहे हैं, चूना को मैंने बॉईल कर लिया था, लहसुन का बारीक पीसा हुआ चूना, उसमें नमक और अदरक लहसुन डाल के उसको बॉईल कर लिया था, उसमें डाल के मिक्स करके हमने मिक्स कर लिया। अब बाकी के मसाले को मैं ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, क्योंकि जब मैंने कीमा गलने के लिए चढ़ाया था तो उसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया, और इसके अंदर लग जाएगा 2 कुटी लाल मिर्च डाल दें, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, 1 टी स्पून डाला है। और इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये 1/2 टी स्पून डाला है, मसाले डालते हैं। अब इसके अंदर हम भी चिल्ली सॉस डालेंगे, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून, और चिल्ली सॉस इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये पेड़े बनाएंगे, ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने एक
ढक्कन की मदद से इसको काट लिया दोनों। अभी हम निकाल लेंगे इसे। ये देखिए अब इसके किनारे में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। फिल्म तैयार किया। अगर आपको बीफ पसंद नहीं, चिकन नहीं पसंद, अगर आप चिकन नहीं पसंद है तो आप चिकन की बना सकते हैं, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद है तो आप वेजिटेबल की भी बना सकते हैं। इसी प्रोसेस से आपने बनाना है। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने करके इसको राउंड करते जाना है, प्रेस करते जाना है। इस तरीके से हमने ये सारे कर लेना। देखिए इस तरीके से ये तैयार है। ये देखिए ठीक, इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। बस ये मैंने स्टीमर चढ़ा दिया, नीचे गर्म पानी रखे। अब इसके ऊपर हम ये सारे उसका रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये इसको हम कवर कर देंगे, इसको हम कवर कर देंगे। बस अब ये तैयार है। मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये निकाल लिया मैंने। अब मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी शक्ल आई है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखने का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।